जय हिंद साथियों। साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स नंबर 2 जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर के C2 यानी कि ये बोल सकते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट बोल सकते हैं या कोर्स नंबर 2 बोल सकते हैं। तो ये दूसरे कोर्स का हम लोग कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन, तो ये रहा आपका दूसरा कोर्स। और दूसरे कोर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हम करवाए थे, चलिए उन सभी क्वेश्चंस का वन बाय वन करके हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो साथियों आज का क्वेश्चन हम लोग लिए हैं शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यमों को उदाहरण सहित व्याख्या करें। यानी कि शिक्षा के 3 तरह का माध्यम है, एक औपचारिक माध्यम, एक अनौपचारिक और एक निरौपचारिक। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये इस सब्जेक्ट से ये मोस्ट VVI क्वेश्चन बनते हैं, सवाल पूछे ही जाते हैं कि शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यम के उदाहरण के साथ व्याख्या करिए। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर लिखा है समाज के विकास के लिए औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक तीनों प्रकार की शिक्षा का अपना अपना महत्व है। यानी कि समाज में अगर विकसित करना है, एक विकास लाना है, तो तीनों तरीके की शिक्षा पाना जरूरी है, क्योंकि तीनों का अलग अलग अपना महत्व है। फिर आगे लिखता है मनुष्य की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा से प्रारंभ होती है और अनौपचारिक शिक्षा से ही अंत होती है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य की जो शिक्षा है वो अनौपचारिक से शुरू होती है और अनौपचारिक शिक्षा से ही समाप्त भी होती है। फिर लिखा है बचपन में बच्चों में जो संस्कार पढ़ते हैं वह स्थायी होते हैं और यह संस्कार अनौपचारिक शिक्षा के परिणाम होते हैं। यानी कि बच्चों में जो धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, तो वृद्धि के दरम्यान उनको संस्कार पढ़ाया जाता है। संस्कार मतलब कि अगर जो छोटा बच्चा है तो अगर कोई बड़े रिलेशन में के आते हैं तो उनको झुक कर प्रणाम करना, उनको पानी पिलाना, उनको आदर सम्मान देना, तो ये सब सारी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा में हम लोग देखते हैं। तो यही बात लिखा है कि बचपन में बच्चों में जो संस्कार पढ़ाए जाते हैं वह अस्थाई होते हैं और यह संस्कार अनौपचारिक शिक्षा के परिणाम है। यानी कि यह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आगे लिखा है अतः अनौपचारिक शिक्षा को व्यक्ति के निर्माण की आधारशिला कहा जाता है। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा को आधारशिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बच्चों में वृद्धि होती है, विकास होती है, तो सबसे पहले उनको संस्कार की पाठ पढ़ाई जाती है। जो छात्र विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं वह प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि वे छात्र जो विद्यालय से प्राप्त नहीं करेंगे शिक्षा, उनको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। यानी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिना विद्यालय गए ही शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो वे छात्र जो बिना विद्यालय गए ही शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जानते हैं। और ये शिक्षा का प्रसार करना बहुत महत्व है। यानी कि बहुत साल पहले स्कूल नहीं हुआ करता था, विद्यालय हुआ भी करता था तो बहुत कम लोग जाया करते थे विद्यालय में पढ़ने। तो वैसे उस टाइम के जो लोग होते थे वो प्रौढ़ शिक्षा से ज्ञान प्राप्त करते थे और इसका बहुत ही एक अलग महत्व है। यानी कि इसके आगे लिखा है कि जन शिक्षा के प्रसार में इसका अलग महत्व है, इसको हम लोग प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जानते हैं। फिर आगे लिखा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया में एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कि फाइनली हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि औपचारिक शिक्षा जो है, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया में एक दूसरे के पूरक, मतलब कि एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं। इन तीनों शिक्षा के अलावा और भी शिक्षा का जिक्र किया गया है जो निम्नलिखित है। अभी तक के देख पा रहे होंगे कि शिक्षा के 3 पहलू हैं, एक औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक।
लेकिन उसके आगे लिखा है साथियों कि इन तीनों शिक्षा के अलावा भी और शिक्षा के पहलू हैं जिनका जिक्र नीचे किया गया है। तो नीचे जो जिक्र किया गया है, शिक्षा के चार पहलू को जिक्र किया गया है। पहले का नाम है सामान्य शिक्षा, दूसरा का नाम है विशिष्ट शिक्षा, और तीसरे का नाम है व्यक्तिगत शिक्षा, और चौथा का नाम है सामूहिक शिक्षा। यानी कि तीन शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इन तीनों के अलावा और भी शिक्षा का जिक्र किया गया है। इन चार शिक्षा में सामान्य शिक्षा आते हैं, विशिष्ट शिक्षा आते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा आते हैं और सामूहिक शिक्षा आते हैं। अब चलिए इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आखिर सामान्य शिक्षा में क्या होता है, विशिष्ट शिक्षा में क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षा में क्या होता है और सामूहिक शिक्षा में क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर जो है, सबसे पहला शिक्षा है जो उस तीन के अलावा लिखा गया था, पहला था सामान्य शिक्षा। तो सामान्य शिक्षा को हम लोग किस प्रकार डिफाइन करेंगे, किस प्रकार समझेंगे? इस प्रकार के शिक्षा को उदार शिक्षा कहते हैं। याद रखिएगा, सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो बालक को सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करती है। यानी कि सामान्य शिक्षा वह शिक्षा को कहते हैं जो किसी भी बालक को सामान्य जीवन यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए उसको सख्त ज़रूरत होती है उन शिक्षा का। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का एक बहुत सारे अलग अलग मकसद होते हैं, किसी को जॉब लेना, किसी को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करके अपने आसपास के लोगों में शिक्षा का प्रसार करना, जिसको टीचर कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा तो कर लेते हैं लेकिन अपना बिजनेस कर लेते हैं, अलग अलग एरिया में वो अपना कदम बढ़ाते हैं। तो ये वह शिक्षा है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए ज़रूरत होती है, जो किसी के समाज में कैसे रहना चाहिए, किससे कैसे बातें करनी चाहिए, अगर कोई रिलेशन वाले लोग आए तो उनको किस तरीके से आदर भाव देने चाहिए। तो ऐसी शिक्षा सामान्य शिक्षा को हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य जीवन में व्यक्त करने के लिए ऐसी शिक्षा बहुत ही ज़रूरत होती है। इस प्रकार के शिक्षा का उद्देश्य बालकों के सामान्य बुद्धि की को तीव्र करना है। यानी कि ऐसी शिक्षा का मकसद क्या है, सामान्य शिक्षा का मकसद ये है कि जो बालक हैं उनके सामान्य बुद्धि को तेज करना, उनकी बुद्धि को बढ़ाना। तो ये था दोस्त सामान्य शिक्षा। उसके आगे भी लिखा हुआ है, इस प्रकार के शिक्षा से व्यक्ति को समाज में रहन सहन तथा उसके जीवन यापन में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने हेतु सहायता मिलती है। जी हाँ साथियों, यानी कि जो सामान्य शिक्षा ले लिया है उसको समाज में कैसे उठना चाहिए, समाज के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करने चाहिए, तो ये सब सारी शिक्षा उसे सामान्य जीवन यापन करने में सफलता मिलती है, यानी कि आसानी होती है। चलिए दूसरी शिक्षा हम लोग बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग जिक्र किए थे, विशिष्ट शिक्षा। यानी कि विशिष्ट शिक्षा के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि विशिष्ट शिक्षा क्या है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालिकाओं को किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयार करना होता है। देखिए, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बालक बालिकाओं को व्यवसाय से रिलेटेड जानकारी या शिक्षा दिया जाता है, ताकि वे अपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी कोई व्यवसाय शुरू करें या अपने पैरों पर खड़े हो सकते। जैसे लड़कियों के लिए सिलाई की शिक्षा दी जानी चाहिए, कुछ कलाकारी, कुछ स्वेटर बुनने या कपड़ा बुनने की चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। तो ये सब जो शिक्षा दी जाती है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हों, कोई बिजनेस कर सके, कोई काम कर सके। तो ऐसे बालक बालिकाओं को जो शिक्षा दिया जाता है ताकि वो व्यवसाय के लिए उन्हें तैयार किया जा सके, उसको हम लोग विशिष्ट शिक्षा के नाम से जानते हैं। इस शिक्षा के द्वारा बालक कोई विशेष कुशल प्राप्त करता है, किसी ऐसी शिक्षा के द्वारा बालक कोई विशेष व्यवसाय अपनाता है। यानी कि ऐसी शिक्षा देने से क्या होगा कि बालक बालिकाएं अपनी व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। अगर उनको सिलाई सिखाया जाए तो सिलाई वाली जितनी आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनका वस्त्र जो है वो सिल सकती हैं,
या फिर अगर उनको कुछ कलाकारी दिखाने के लिए, कुछ स्वेटर बनने के लिए, कुछ अलग अलग बोल सकते हैं नक्काशी करने के लिए, चित्रकारी करने के लिए सिखाया जाए, तो कभी भी उनके अंदर ये कौशल आ जाएगा कि वो अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकती है। अगला लिखा है, यह शिक्षा व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने में प्रेरित करती है। यानी कि ऐसी शिक्षा किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करती है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लड़की लोग हैं, किसी लड़की को एकदम सिलाई सीखने में मन लग गया, तो उसका लक्ष्य क्या हुआ, हमको सिलाई में ही आगे बढ़ना है और इसको प्राप्त करना है। तो अगर बोलते हैं ना कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर आपके अंदर लगन है, परिश्रम है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को पा लेंगे। तो कुल मिलाकर वही चीज़ें लिखी हुई थी विशिष्ट शिक्षा में कि यह एक ऐसी शिक्षा है जिससे बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाती है ताकि कोई बिजनेस वो खुद से कर सकें। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षा। व्यक्तिगत का मतलब ये हुआ किसी खास एक बच्चा को शिक्षा देना, किसी खास एक लड़का या किसी खास एक लड़की को पढ़ाना। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यह शिक्षा बालक की व्यक्तिगत रूप से उसकी रुचि, बुद्धि, आवश्यकता तथा प्रकृति के अनुसार दी जाती है। जी हाँ, यह शिक्षा बालक को व्यक्तिगत रूप से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसके अनुरूप उसका किस में रुचि है, उसकी कितनी बुद्धि है, उसका कितना सोचने का क्षमता है, उसको कितनी क्या आवश्यकता है, इसके अनुसार दी जाती है। इसको हम लोग आम भाषा में होम ट्यूशन भी कहते हैं। होम ट्यूशन का मतलब क्या, घर पे जाकर उसको ट्यूशन देना, उसको पढ़ाना। तो कुल मिलाकर जब भी आप घर पे जाते हैं तो एक या दो ही बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत का मतलब हुआ एक स्टूडेंट। तो किसी एक स्टूडेंट को आप प्रॉपर उसको शिक्षा दे रहे हैं तो ये आपका कहलाएगा व्यक्तिगत शिक्षा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और एक स्टूडेंट को जब पढ़ाएंगे तो उसके अनुरूप कि वो कितना सीखता है, उसको तेज़ी से पढ़ाया जाए कि स्लो पढ़ाया जाए, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा पढ़ने में कैसा है। फिर आगे लिखता है, शिक्षा का संबंध केवल एक बालक से होता है। बिल्कुल सही, हम अभी बोलें कि व्यक्तिगत शिक्षा में कितने बालक होते हैं, एक बालक। आधुनिक समय में इस प्रकार की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही, आधुनिक समय मैंने आज के डेट में देखते होंगे तो होम ट्यूशन को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। जिसके पास ज़्यादा मनी होते हैं, कोई पैसे की कमी नहीं होती है, तो वे लोग क्या करते हैं, घर पर टीचर को बुला लेते हैं टाइमली, और टीचर आ भी जाते हैं, उसके अनुरूप उनको पैसे दिया जाता है पढ़ाने के बदले। तो कुल मिलाकर आधुनिक समय में इसका एक अलग महत्व दिया गया है। फिर दोस्त बात कर लेते हैं अगली शिक्षा है जिसका नाम है सामूहिक शिक्षा। सामूहिक शिक्षा, चलिए इस शिक्षा के बारे में जानते हैं। सामूहिक शिक्षा के बारे में क्या है, इस शिक्षा में शिक्षा का संबंध एक बालक से ना होकर अनेक बालकों से होता है। बिल्कुल सही, यानी कि सामूहिक, समूह जानबे करते हैं, समूह का मतलब होता है एक से अधिक लोगों का समूह। तो सामूहिक शिक्षा वे शिक्षा होती है जिसमें एक बालक न होकर एक से अधिक अनेक बालक हो सकते हैं। इसीलिए तो जैसे विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है या कोचिंग पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाता है एक ही साथ, इसको हम लोग सामूहिक शिक्षा नाम देते हैं। आगे लिखता है, अनेक बालकों को एक समूह में कक्षा में बैठाकर शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल सही, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, तो अनेक बालकों को एक ही साथ समूह में बैठाकर कक्षा में उसको शिक्षा दिया जाता है, यानी क्लासरूम में बैठाकर उसको एक ही साथ कई बच्चे पढ़ लेते हैं। आगे लिखता है, आजकल इस प्रकार की शिक्षा ही प्रचलित है। अब आजकल के डेट में अब कोई भी टीचर ये चाहता है कि हम एक ही साथ, जैसे क्लास नाइन्थ का है तो एक नाइन्थ का बैच बना देता है ताकि टीचर को एक ही बार मेहनत करना पड़े और क्लास नाइन्थ के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक ही साथ शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए ये प्रचलित है, विद्यालय में शिक्षा का यही स्वरूप प्रचलित है, यानी कि विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो सामूहिक शिक्षा ही दी जाती है। इस प्रकार के शिक्षा में कक्षा के प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना कठिन होता है। जिस तरीके से होम ट्यूशन में व्यक्तिगत रूप से एक ही बालक को जो शिक्षा दिया जाता है उसके अनुसार जरा इसमें कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे समूह होते हैं, एक ही क्लासरूम में ढेर सारे बच्चे होते हैं और एक एक पर फोकस करना ज़्यादा कठिन होता है। कक्षा के समस्त बालकों को
समान स्तर पर एक जैसा मानकर दिया जाता है शिक्षा। यानी कि मान लीजिए एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे को कम सोचने समझने का शक्ति है, रिमेंबर पावर कम है, किसी का ज़्यादा है, तो ऐसा मानकर शिक्षा दिया जाता है कि सभी एक जैसे हैं और एक ही जैसे मान करके उनको शिक्षा दी जाती है। तो ये थे तीन शिक्षा के अलावा और भी चार शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है साथियों शिक्षा के आवश्यक अंग। अब शिक्षा के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो शिक्षा के आवश्यक अंग के लिए एक अमेरिका के शिक्षाविद जिनका नाम है हेंडरसन, यानी कि अमेरिका के बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे शैक्षणिक शिक्षाविद हैं, मतलब उनको टीचिंग में बहुत बड़ा उनको एक जुनून था। सॉरी जिनका नाम हेंडरसन है। तो अमेरिका के एक बहुत बढ़िया शिक्षाविद जिनका नाम हेंडरसन है, उनके अनुसार देखा जाए तो शिक्षा के तीन आवश्यक अंग होते हैं। यानी कि हेंडरसन के अनुसार शिक्षा के तीन अंग हैं। पहला का नाम है प्रशिक्षण, दूसरे का नाम है निर्देश और तीसरे का नाम है प्रेरणा। यानी हेंडरसन के अनुसार शिक्षा के तीन अंग होते हैं, पहला प्रशिक्षण, दूसरा निर्देश, तीसरा प्रेरणा। चलिए बारी बारी से हम लोग इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ, निर्देश का मतलब क्या हुआ और प्रेरणा का मतलब क्या हुआ। तो चलिए प्रशिक्षण, सबसे पहला प्रशिक्षण। इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आदतों का निर्माण करना है। यानी कि प्रशिक्षण में याद रखिए कि बच्चों के आदतों को शामिल किया जाता है। जैसे कोई बच्चा छोटा ही है और छोटा से ही उसको आदत में शामिल किया जाता है कि सुबह उठते ही अपना मुंह साफ करना है, मुंह पे पानी मारना है, उसके बाद नित्य क्रिया करना है, टॉयलेट जाना है, उसके बाद ब्रश करना है। तो ये सब उसके आदतों को निर्माण कराया जाता है प्रशिक्षण में। हम बालकों को अच्छी आदतें डालने में जितना अधिक सहायता देंगे उतने ही वे अधिक अच्छे ढंग से जीवन के लिए तैयार होंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर बालकों को हम अच्छी अच्छी आदतें सिखाएंगे, अच्छा आदत डलवाएंगे, ताकि उनके जीवन में वे अधिक सहायता देंगे, क्योंकि उनको एक अधिक अच्छे ढंग से जीवन के लिए तैयार करेंगे। यानी कि जब कोई भी बालक है उसको हम अच्छा आदत डलवाएंगे तो उससे उसकी अच्छा आदत डालने में प्रयास करेंगे, उसको हेल्प करेंगे ताकि उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आए और अच्छे ढंग से उसका जीवन में सब चीज़ चलता रहे। तो ये था दोस्त प्रशिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं निर्देश। निर्देश में क्या बताया गया, तो निर्देश बालकों को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बुद्धि का विकास करने में सहायता देता है। यानी निर्देश का काम क्या है, तो बालक को ज्ञान प्राप्त करना, बालक को ज्ञान प्राप्त करना और अपनी बुद्धि का विकास करने में सहायता देता है। तो निर्देश का मतलब होता है बालकों के अंदर ज्ञान बांटना और उसके अंदर बुद्धि का विकास करना। बालक शिक्षक से बहुत कुछ सुनता है, यानी कि बालक जो है शिक्षक से बहुत कुछ सुनता है और उसके निर्देश के अनुसार पुस्तकों और विभिन्न विषयों को पढ़ता है। यानी कि जब देखते होंगे कि क्लासरूम में कोई टीचर है तो उन टीचर का बात जो है बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। टीचर जो सब्जेक्ट बोलेंगे वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो याद करने के लिए देंगे बच्चे वो याद करते हैं, तो उसकी ज्ञान की वृद्धि होती है और इससे उनकी क्या होती है, बुरे कार्यों में अंतर करने की पहचान आने लगती है। उसको हम निर्देश कह सकते हैं। निर्देश का मतलब क्या, आदेश देने वाला। जैसे टीचर का आदेश आया कि आप जो है इस चीज़ को याद करके आइएगा घर से, तो बच्चे उनको करके जाते हैं। टीचर के अनुसार उनको ये बताया जाता है कि क्या पुस्तक पढ़ना है और कौन सी विषय को पढ़ना है, तो इन विषयों को पढ़कर उनकी ज्ञान की वृद्धि होती है और वह आगे चलकर अच्छे और बुरे कार्यों में अंतर जानने लगते हैं। उनको ये अब समझ में आने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है।
और तीसरी जो अंग है वो है साथियों प्रेरणा। प्रेरणा, चलिए प्रेरणा के बारे में समझते हैं। बालक में प्रशिक्षण द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल सही, प्रशिक्षण मतलब क्या? आदत डलवाना। तो याद रखिए कि प्रशिक्षण का मतलब क्या? बच्चों के अंदर आदत डलवाना, ताकि वो डेली रेगुलर वो ना भूले उस चीज़ को। निर्देश द्वारा उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। बिल्कुल सही। शिक्षा के तीन अंग, पहला है प्रशिक्षण, दूसरा निर्देश और तीसरी प्रेरणा। तो प्रशिक्षण से क्या हो गया? उसकी आदत में बदलाव, उसका आदत बन गया। निर्देश के अलावा क्या हुआ? उसके बुद्धि का विकास हो गया। उसके आगे अच्छी आदतों और ज्ञान पर आधारित अच्छे कार्य को करने के लिए उसे प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग गाइडलाइंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए उसको समझ तो आ गया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन अब एक और चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है, वो है प्रेरणा, गाइडलाइंस। यानी कि आपको आगे चलकर, जैसे आप कोई बच्चा 9th में है तो उनको 10th में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो बच्चा 10th में है IAC में जाएंगे तो IAC में कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है, उन सब्जेक्ट को लेकर आप क्या कर सकते हैं, आगे फ्यूचर की बात, यानी कि आगे आपके लिए क्या क्या होगा, उन चीज़ों को प्रेरणा के माध्यम से उनको समझाया जाता है। तो वही लिखा है कि अच्छी आदत और ज्ञान पर आधारित अच्छे कार्य को करने के लिए उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रेरणा को शिक्षा का सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यानी कि प्रेरणा बहुत ही ज़रूरी है। और कहते हैं ना, प्रेरणा हमेशा अच्छे टीचर और ज्ञानवर शिक्षक से ही लेना चाहिए, ताकि वे अच्छे से किसी भी चीज़ को बता देते हैं और अच्छे, मतलब उनका एक अनुभव अच्छा रहता है। इसलिए प्रेरणा का भी बहुत बढ़िया रोल है, इसलिए शिक्षा में इसको आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग माना गया है। चलिए फिर आगे लिखा हुआ है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक शर्त। अब याद रखेंगे कि हम लोगों का क्वेश्चन में था औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। तो अब हम चलिए तीनों के बारे में अलग अलग शर्त देख लेते हैं कि औपचारिक शिक्षा के लिए क्या शर्त होना चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा के लिए क्या शर्त होना चाहिए और निरौपचारिक शिक्षा के लिए क्या शर्त होना चाहिए। तो पहला शर्त है औपचारिक शिक्षा के लिए निश्चित स्थान, यानी कि फिक्स जगह। ये नहीं कि किसी भी बच्चे को आज किसी जगह पे बुलाइए, मतलब कोई स्थान है, आज यहाँ बुला लिए पढ़ने के लिए, आज ना यहाँ आ जाओ, कल ना वहाँ बुला लेंगे उसको, जहाँ मन तहाँ ऐसे नहीं बुला लेंगे, इससे तो उसका अलग इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए निश्चित स्थान का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, निश्चित समय, यानी कि फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। औपचारिक शिक्षा के लिए शर्त जो है, पहला फिक्स जगह होना चाहिए कि किस जगह पे सर आते हैं, किस स्थान पे सर पढ़ाते हैं। फिक्स टाइमिंग होना चाहिए, नहीं कि सर कभी भी आ गए, बच्चा कभी भी पहुंच गया, सर का इंतज़ार कर रहा है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए। तीसरा है निश्चित पाठ्यक्रम, यानी कि फिक्स पाठ्यक्रम, यानी कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। जैसे 9th का है तो 9th का सिलेबस है कि हमको ये सब्जेक्ट है, ये पढ़ना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, 9th का पढ़ना है कि 10th का पढ़ना है कि इंटर का पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए। और चौथा, निश्चित शिक्षक, यानी कि फिक्स टीचर होना चाहिए। यानी कि आज वो टीचर आ जा रहे हैं और कल अगले टीचर आ जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। यानी कि औपचारिक शिक्षा के लिए निश्चित शिक्षक होनी चाहिए। और पांचवा, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों को उद्देश्य क्या है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग सपना होता है कुछ चीज़ करने का, तो उनका एक अलग निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तो ये था औपचारिक शिक्षा का आवश्यक शर्त। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के लिए शर्त। तो इसके लिए तीन शर्त है। पहला शर्त है विद्यालय में प्रवेश से पूर्व पर्यावरणीय शिक्षा। तो याद रखिए, यानी कि विद्यालय से प्रवेश होने से पहले, जैसे यानी कि स्कूल में एडमिशन से पहले, वह बच्चों को शिक्षा जरूरी है कि अपना मलमूत्र त्यागने में कोई दिक्कत नहीं हो, अपना
मैंने खुद का जो एक मेंटेन हो उस मेंटेन को मेंटेनेंस कर सके, तो विद्यालय से पूर्व और विद्यालय में प्रवेश होने से पूर्व उसको पर्यावरणीय शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पर्यावरणीय का मतलब क्या, जो माता पिता से शिक्षा उन्हें मिलती है कैसे बड़ों की आदर करने चाहिए, अपना अपना मतलब खुद का अगर बोल सकते हैं स्कूल जाने के क्रम में अगर टॉयलेट लग गया तो उसको मतलब कि मेंटेनेंस करना, तो कुल मिलाकर ये सब पर्यावरणीय शिक्षा उसको आवश्यक है। दूसरा है मुफ्त शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन, तो फ्री एजुकेशन भी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। और तीसरा वस्तुओं का अनुभव यानी कि वस्तु का मतलब क्या, शिक्षा कि शिक्षा का क्या अनुभव है यानी कि वो किसी भी चीज़ को कितना हद तक समझ पाता है। तो इन तीनों चीज़ों को रखा गया है साथियों अनौपचारिक शिक्षा में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जिसका नाम है निरौपचारिक शिक्षा, यानी कि निरौपचारिक शिक्षा के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। तो इसके लिए भी तीन शर्त है। पहला का नाम है उद्देश्य पूर्ण होना यानी आपके अंदर उद्देश्य की भावना होनी चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना है, तो ये उद्देश्य से पूरा भरा पड़ा होना चाहिए। दूसरा है जीवन से संबंधित शिक्षा, बिल्कुल सही। एक होता है किताबी कीड़ा, किताबी शिक्षा, किताब में जो लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, वो नहीं, आप जीवन से संबंधित उसे शिक्षा दीजिए कि लाइफ में उसको किस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो किस तरीके से, यानी कभी कभी मोटिवेटर मोटिवेशन के अकॉर्डिंग उसको जीवन की कुछ जीवन में आए हुए कुछ प्रॉब्लम कुछ अच्छी चीज़ों को भी बताने चाहिए। तीसरा है शिक्षा संस्था से बाहर की शिक्षा यानी कि जो विद्यालय में जो शिक्षा देने वाली जो शिक्षा होती है उससे बाहर की शिक्षा भी उन्हें मुहैया कराया जाए ताकि उनको ये भी पता चले कि वाकई किताबी के अलावा किताबी शिक्षा के अलावा हमें और भी किस कैसी शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो साथियों ये थे हम लोगों का कंटेम्प्रोरी इंडिया और एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा के महत्वों को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और भी शिक्षा के पहलू हैं और भी शिक्षा के जिक्र किए गए हैं उनको भी हम लोगों ने इस आंसर में देखा, शिक्षा के अंग को भी देखा। तो कुल मिलाकर साथियों इसे आई होप कि अच्छे से आप समझे होंगे और आप बिल्कुल इनको अच्छे से कर लेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, हमसे आप बिल्कुल जुड़े रहिए, हम बीएड फर्स्ट ईयर के ऑल पूरे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप इसको एक बार देखेंगे समझेंगे तो तुरंत आपको एकदम याद हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्त फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।